नमस्कार एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूं प्रवीण मिश्र यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं लेकिन बाधाएं आ रही हैं प्रेम विवाह आप करने में कामयाब नहीं हो रहे हैं सफल नहीं हो रहे हैं तो ये उपाय करिए क्या करना है सोमवार के दिन व्रत रखें कोशिश करें कि अगर बहुत ज़रूरी हो तो फल ले लें फल और जल दो चीज़ें लेकर के व्रत रख सकते हैं और सोमवार के दिन भगवान शिव का विशेष पूजन करना है आपको कुछ सामग्री आपको बताने जा रहे हैं ये सामग्री भगवान शिव को अर्पित करें जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और जल ले लें बेलपत्र भस्म और सुगंधित इत्र ये चीज़ें लेके जानी है तो सबसे पहले गंगा जल मिले हुए जल से भगवान शिव को अर्पित करिए भगवान शिव का अभिषेक करिए इसके बाद बेलपत्र अर्पित करें भस्म चढ़ाएं, सुगंधित इत्र चढ़ाएं। इसके बाद भगवान शिव की आरती करें आरती करने के बाद जो आपकी इच्छा है भगवान शिव से निवेदन करें पहला उपाय ये हो गया दूसरा उपाय शुक्रवार के दिन भगवान कृष्ण के मंदिर जाएं जहां भगवान कृष्ण और राधा जी की मूर्ति हो ऐसे मंदिर जाना है तो भगवान कृष्ण और राधा जी का जहां मंदिर हो वहां जाएंगे एक बाँसुरी लेकर के बाँसुरी लेकर के जाइए भगवान कृष्ण के चरणों में बाँसुरी अर्पित करें पेठे का भोग लगाएं पेठा भी लेकर जाएं पेठे का भोग लगाएं और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें कि आपकी इच्छा पूरी हो प्रेम विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर हों ये उपाय करके देखिए भगवान शिव का पूजन और भगवान कृष्ण का पूजन ये दो उपाय करेंगे तो आप देखेंगे आपकी इच्छा पूरी होगी जो बाधाएं आ रही हैं वो धीरे धीरे करके सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी शुक्रवार के दिन जब आप भगवान कृष्ण का पूजन करेंगे उस दिन ध्यान रखिएगा कि आपका खान पान शुद्ध होना चाहिए यानी मांसाहार का सेवन अंडे का सेवन शराब का सेवन जो है एक दिन पहले से बंद कर दें। जो लोग करते हैं नहीं करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है खान पान शुद्ध रख करके ही अगर ये उपाय करेंगे तभी लाभ होगा इसी तरीके से जो सोमवार वाला उपाय है वो भी खान पान शुद्ध रख करके ही करने पर फायदा होगा ये हमने इसलिए आपसे कहा क्योंकि जो लोग खान पान शुद्ध नहीं रखते हैं और उपाय करते हैं उनको उपाय का फल नहीं मिलता लाभ नहीं होता तो यदि आप चाहते हैं जो भी आप रेमेडी करने जा रहे हैं उपाय करने जा रहे हैं उसका पूरा फल मिले तो हमेशा अपना खान पान शुद्ध रखिएगा खान पान जब शुद्ध रखेंगे तभी उपाय का पूरा फल आपको प्राप्त होगा तो अभी के लिए बस इतना ही बहुत जल्दी फिर होगी आपसे मुलाकात देश में धर्म और ज्योतिष को लेकर के जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आती हैं, वो सबसे सही जानकारी एस्ट्रो तक में आती हैं। तो इसलिए एस्ट्रो तक अवश्य देखते रहिए बोलिए जय श्री कृष्ण एस्ट्रो तक ऐप आप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से